नमस्ते, HTML कोडिंग की चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ टैग्स को। यहाँ पर आज आप सीखेंगे स्ट्राइक टैग और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। स्ट्राइक टैग, इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू प्रभाव देने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप एस टैग का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर पूरा स्ट्राइक नाम न लिखते हुए हम सिर्फ एस को अगर लगाते हैं तो यह टैग लग जाता है। इसका काम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए भी हम यहाँ पर सब और सुप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसे आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं। इन दोनों टैग्स का प्रयोग टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट प्रभाव देने के लिए किया जाता है। यूज़ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें कुछ मैथ से रिलेटेड ऑप्शन को दिखाना है या फिर साइंस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को दिखाना है, तो इसके लिए आप इन ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम हमारी नोटपैड की फ़ाइल के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी तक जो आप वीडियो देखते आ रहे हैं उनमें इतना हमने अभी पेज बना लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके HTML के ट्यूटोरियल में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख सकते हैं। आगे हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए DM कंप्यूटर YouTube क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तो हम यहाँ पर और भी टैग को अप्लाई करते हैं और उनका प्रयोग करके हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्राइक ऑप्शन को अगर दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ एक नेम को टाइप कर देते हैं, जैसे कि नो प्रॉब। इसे टाइप करने के बाद, इससे पहले और इसके बाद एस टैग का प्रयोग कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम इसे सेव करते हैं। कंट्रोल एस की सहायता से आप सेव कीजिए। इंटरनेट वाली फाइल आपने जो बना रखी है उसे आप ओपन करें और F5 बटन के साथ आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे कि यह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम सबमिट के नीचे इसे ले जाना चाहते हैं तो आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूँ BR टैग, जिसे आप लगाइए और BR करने से यह टैग नीचे चला जाता है। ऐसा हम देख सकते हैं। इसके बाद हम वापस से हमारी नोटपैड की फ़ाइल पर चलते हैं और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं। इसके लिए आप BR टैग यहाँ पर लगा दीजिए। कैपिटल स्मॉल किसी में भी हम लिख सकते हैं। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसके सामने यहाँ पर लिख सकते हैं और आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो बहुत सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट का उपयोग हम यहाँ पर जैसा कि H2O लिखने के लिए कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर CO2 लिखने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 को नीचे ले जाना है, तो इसके लिए हम सब ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इस तरह से जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर ये हम इस तरह से लगा देंगे, यह नीचे चला जाएगा। और इसे हम सेव करके भी देखें जैसा कि अभी किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने CO2 वाले में इसे अप्लाई किया है इसलिए यह नीचे चला गया है, लेकिन H2O जहां पर लिखा है वहां पर ये अप्लाई नहीं हुआ है। इसके लिए हम हमारी नोटपैड की फ़ाइल पर चलते हैं और यहां पर हम इसे अप्लाई करके देखेंगे।
और इसे अप्लाई करने के बाद आप इस फाइल को सेव करें, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया, हम BRTech का यूज़ करते हैं अब, और यहाँ पर हमें इसके बाद हम चाहते हैं अब सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना, जो कि आप एक्स स्क्योर यहाँ पर दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर दें, और वाई स्क्योर आप यहाँ पे टाइप करें। अब इसके स्क्योर लगाने के लिए हमें यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सुप ऑप्शन को यहाँ पर देना होता है और बंद करना होता है, और यहाँ पर भी हमें यही करना होगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुप ऑप्शन यहाँ पर देना होता है। कुछ इस तरह से हम इसे लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हम इसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें जिसे आप अच्छे से समझ पाएँ। फ़ाइल को सेव करने के लिए आप फाइल ऑप्शन पर जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली फ़ाइल पर जाइए। फ़ाइल को यहाँ पर रिफ़्रेश करना है, इसके लिए आप माउस से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर फाइल को F5 बटन दबा के भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसके बाद हम और भी इसका कुछ और भी जगहों पे यूज़ करते हैं, उसे हम देख सकते हैं। BRTech भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉमा लगा के आगे हम पढ़ रहे हैं। इसे 10th 12th वाले पैटर्न में भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट जैसे TH को हम यहाँ पर ऊपर भेजना चाहते हैं इस तरह से। और भी जगह हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 12th में भी हम इसे यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप इसे और भी जगहों पे यूज़ कर पाएंगे। फ़ाइल को सेव कर दिया जाए और फाइल को यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश किया जाए तो यह हमें देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए DM कंप्यूटर को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।